आज शहर धारीवाल में डडवां चौक पर बनी ट्रैफिक की समस्या। धारीवाल में पक्की ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से हर समय यहां जाम लगा रहता है। यह तस्वीरें डडवां चौक पर लगाई गई हैं। शहरवासियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एक साल पहले धारीवाल में पक्की तौर पर ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम जो सुबह टाइम के साथ आते थे, जिसके साथ शरारती जैसे बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे बजाने वाले और बड़ी गाड़ियां जो शहर के बीच से निकलती थी, उन पर वो ट्रैफिक पुलिस रोक लगाती थी। शहरवासियों ने हल्का विधायक फतेह सिंह बाजवा से मांग की है कि वो धारीवाल में जल्दी से जल्दी पहले की तरह पक्के तौर पर ट्रैफिक पुलिस नियुक्त करे, जिससे आवाजाही में आम जनमानस को किसी भी तरीके की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चंद्रपाल सिंह, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स मंच पंजाब। असीं धारीवाल की ट्रैफिक के बारे तुहानू जानकारी दे रहे हैं कि धारीवाल की ट्रैफिक एक भयानक रूप धारण कर चुकी है। वड्डे वड्डे जाम लगते हैं, तो जो स्कूलों कॉलेजों की छुट्टी होती है तो ट्रैफिक एक बड़ा भयानक रूप धारण कर लेती है, तो राही घर आन जाने इन्ना परेशानी का सामना करना पै रहा है। पहला भी इतने कई हादसे हो चुके हैं। एक साल पहला इतने पक्के ट्रैफिक पुलिस मुलाजम सन, तो हूँ धारीवाल पुलिस धारीवाल कोई ट्रैफिक पुलिस मुलाजम नहीं है, जिस करके वड्डे वड्डे जाम लगते हैं। ट्रैफिक जाम होती है तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पै रहा है। धारीवाल एक बाईपास होने के बावजूद भी धारीवाल भारी वाहन जेड़े फुल स्पीड में लंघते हैं, जिसना राहगारा अपनी जान का खतरा है। असी प्रशासन तो डीसी साहब तो SFP साहब तो हलका विधायक बाजवा साहब तो मंग करते हैं कि जिस तरह एक साल पहले इतने पक्के ट्रैफिक मुलाजम सन, हूँ इतने पक्के ट्रैफिक मुलाजम लाए जाए ता जो ये ट्रैफिक की समस्या तो धारीवाल निवासियों निजात मिल सके। धारीवाल से रंजीत सिंह। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.